स्वागत है मेरे ब्लॉगिंग वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में आज हम दिखाने वाला हूँ अपना डीआरएम ऑफिस, जो गुंडगल डिवीज़न का डीआरएम ऑफिस है, डिवीज़न रेलवे मैनेजर ऑफिस, उसका मैं आज शेयर करवाने वाला हूँ आपको पूरी तरीका से। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। दोस्तों रेलवे कर्मचारी होगी कैंटीन में, उसके आसपास का जितना भी जगह है, माहौल है, पूरा आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से होता है एक डीआरएम ऑफिस रेलवे का, कितना लग्जरियस होता है। आजकल का जितना भी ऑफिस बनाया जा रहा है सब लग्जरियस बनाया जा रहा है, रेलवे के पास बहुत पैसा है यार। यहाँ पर देखिए, ये है हाथी भोलू, जो कि रेलवे का क्या है, शुभंकर है शायद, मैंने पढ़ा था जीके में, शुभंकर है ये, भोलू हाथी है। इसका हाथ में लालटेन लिए हुए हैं, देखिए हाथ में लालटेन लिए हुए हैं। तो इसका नाम है भोलू, जो कि रेलवे का शुभंकर है। दोस्तों रेलवे का स्कूल, जिसमें रेलवे का जो स्टाफ है उनके बच्चे लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये नर्सरी का स्कूल है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है नर्सरी एंड प्राइमरी स्कूल, मतलब इसमें नर्सरी और प्राइमरी स्कूल है ये, इसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इसमें रेलवे स्टाफ के बच्चे पढ़ते हैं। जैसे हमारे अगर जो बाल बच्चे होंगे तो हम इस स्कूल में उसको पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है रेलवे का जो स्कूल होता है उसमें। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, और भी आपको बहुत सारा चीज़ दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा रेलवे का एरिया है, मतलब यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ा एरिया कवर करके रखता है रेलवे। जहाँ रेलवे का डिवीज़न होता है, जोन होता है, वहाँ पर रेलवे जो होता है बहुत बड़ा एरिया को अपना कवर करके रखता है, उसी में सारा ऑफिस होता है उसका भी, जितना भी रेलवे का ऑफिस होता है डिवीज़न में सारा उसी के अंदर होता है। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ, देखिए एक चीज़ मैं ख़रीदा हूँ खाने के लिए, ये शायद आप बचपन में आप भी खाए होंगे, ये देखा तो मुझे बचपन का याद आ गया, हम सोचा कि खरीदते हैं इसको, खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बचपन में शायद आप भी खाए होंगे, बताइए कि कौन कौन खाया है ये चीज़ कमेंट बॉक्स में। लगड़ा है बहुत बड़ा, लेकिन ऑनली 10 रुपीज़ का है ये, इसको बहुत इंटरेस्टिंग है, मुंह में डालेंगे गायब, मतलब मुंह में डालते ही छोटा हो जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा एकदम। ये शायद शक्कर का वाला होता है, शक्कर होता है इसमें, और भी कुछ होता होगा हमें पता नहीं उतना, खाने में बहुत अच्छा लगता है मीठा, जो मीठे पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों रेलवे परिसर के अंदर में ही एक माँ का मंदिर है, जहाँ पे लोग पूजा वूजा करते हैं। हम माँ से विनती करते हैं कि आप लोगों का सपना सबका माँ पूरी करें, आप लोग शिद्दत से मेहनत करने का शक्ति प्रदान करें माँ। ये देखिए मंदिर, छोटा सा मंदिर है, रेलवे परिसर के अंदर, ये देखिए मंदिर का ही पूरा एरिया है। दोस्तों देखिए रेलवे डीआरएम ऑफिस का मेन गेट है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिविजनल रेलवे मैनेजर गुंटकल, इसका मेन गेट है। देखिए ये यहाँ पर क्या था कि पहले पुराना वाला ऑफिस था जो कि अंदर है, अभी नया बन रहा है ये, तो नया जो बन रहा है वो थोड़ा अलग टाइप का है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए इसका मेन गेट है, यहाँ पे सामने इसका बोर्ड लगा हुआ है। दोस्तों रेलवे कर्मचारियों के लिए कैंटीन है ये, डिवीज़न रेलवे स्टाफ कैंटीन है, जो भी स्टाफ डिवीज़न में काम करते हैं तो वे लोग यहाँ पर खाना खाने आते हैं। अभी ये न्यू बना है, ओल्ड वाला जो है अंदर है, ये न्यू बना है, इसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, देखिए बहुत अच्छा है। इसमें हम भी अभी आए हैं तो पेट करके खाना खा सकते हैं कभी भी दोपहर में। ये रहा दोस्तों न्यू डीआरएम ऑफिस, देखिए बना है अभी, अभी अभी नया बना है, इसमें अभी काम नहीं चल रहा है, इस मतलब इसमें अभी अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है दोस्तों, अभी ओल्ड वाला में ही काम चल रहा है। दोस्तों डिवीज़न में ये एक ही होता है, पूरे जो रेलवे का डिवीज़न होता है उसमें एक होता है, यहाँ से ही जितना भी स्टाफ होते हैं उनकी सैलरी बनाई जाती है, उनको सैलरी भेजा जाता है, रेलवे का जितना भी डिवीज़न के अंदर जो स्टाफ काम करते हैं उसकी सैलरी यहीं से बनाई जाती है, चाहे जो भी प्रोसेस है, कागज़ वागज़ का जो भी कागज़ वाली प्रोसेस है, सारा एप्लीकेशन का यही से होता है। इस प्रकार से कुछ सीखें सामने का, इसका ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट से इस टाइप का कुछ दिखता है हमारा न्यू डीआरएम ऑफिस। थोड़ी साइड व्यू दिखाते हैं आपको, तो फ्रंट से अच्छा इसका साइड व्यू हमको देखने को लगा, देखिए ये फ्रंट व्यू था इधर, इसका हम साइड व्यू दिखाते हैं, ठीक है, साइड से कुछ ऐसा दिखता है, ये बहुत अच्छा है। अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, ठीक है, इसका जो हेड होता है वो डीआरएम होता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर। इस प्रकार का सीन है दोस्तों, इसका कुछ अगल बगल का आप देख सकते हैं, वहाँ तक लास्ट है इसका, उधर इसका फ्रंट व्यू था जिससे जहाँ पे रोड पास हुआ है। जो डिवीज़न के अंदर जितना भी स्टाफ काम करते हैं उनका भी सारा जो मैनेजमेंट होता है, जितना भी मैनेजमेंट का काम, सैलरी से रिलेटेड, उसका कोई भी कागज़ वाली काम से रिलेटेड, मतलब किसी भी कोई भी मैनेजमेंट, सारा उसका
डिवीजन से ही होता है दोस्तों। तो रेलवे का ओल्ड वाला डीआरएम ऑफिस देखिए, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है रेलवे डिवीजनल रेलवे मैनेजर का ऑफिस है ये। ये ओल्ड वाला है, इसका यहाँ मेन गेट है, अभी इसी में काम चल रहा है, अभी उसका उसका उद्घाटन नहीं हुआ है नया वाला। अंदर में चलते हैं, आपको दिखाते हैं सारा चीज़। यहाँ पर देखिए ये गार्ड को बैठने के लिए, यह पूरा आप देख सकते हैं इस टाइप से है। यहाँ पे देखिए वो सर का गाड़ी लगा हुआ है, साहब का गाड़ी होगा शायद, डीआरएम का ही गाड़ी होगा, फोर व्हीलर इनोवा देख सकते हैं यहाँ पे इनोवा लगा हुआ है। एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर का ये ऑफिस है, देख सकते हैं अंदर का कुछ इस प्रकार से नहीं। देखिए हम अभी सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे डिवीजन में इसलिए मैं आया, यहाँ पर आया हूँ, हमको सर्विस रिकॉर्ड जो होता है उसमें हमको क्वालिफिकेशन अपडेट करवाना है, क्वालिफिकेशन अपडेट करवाना है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। एसआर बुक में अपना सर्विस रिकॉर्ड का जो बुक होता है दोस्तों, तो वो सारा जो काम होता है डिवीज़न में ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं सोचा आप लोगों को सारा आज विजिट करवा देता हूँ डीआरएम ऑफिस का। तो डीआरएम ऑफिस में जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, जो कि ऑफिसर होते हैं, सारा काम को देखते हैं, संभालते हैं, वो सबसे हेड तो डीआरएम होता है। डीआरएम के बाद दोस्तों सीनियर डीपीओ होता है, सीनियर डीपीओ होता है जो कि पर्सनल विभाग का हेड होता है। सीनियर डिविजनल इंजीनियर होता है जिसको सीनियर डीएन बोलते हैं, वो इंजीनियरिंग विभाग का होता है। तो इसी प्रकार से हर एक विभाग का जो हेड होता है वो यहीं पर बैठता है दोस्तों डिविज़न में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल रेलवे जे ट्रैक मशीन को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रेलवे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड का वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।